Uttarakhand Chief Minister meets with Prime Minister Modi just hours after the meeting. Home Minister Amit Shah, he's met with Prime Minister Narendra Modi as well. In fact, this was regarding UCC, Uttarakhand Draft Committee Chairperson Justice Ranjana Desai has also reached the Prime Minister's residence along with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. The meeting now on the Uniform Civil Code. It appears that the Uttarakhand Draft Committee Chairperson as well, Justice Ranjana Desai, has also reached the Prime Minister's residence along with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. We are going to be discussing on a detailed understanding of the Uniform Civil Code. Let me cut across to Himanshu joining us on the phone line. Himanshu, give us a little sense on the Uniform Civil Code meeting that's currently being held at the Prime Minister Narendra Modi's home, Uttarakhand Chief Minister, right after he meets with Amit Shah, now meeting with the Prime Minister. Give us an understanding on what's on the cards to discuss. देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पिछली रात पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके साथ जो यूसीसी को लेकर वहां पर कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड में, रंजना देसाई और उसके सदस्य वहां पर मौजूद थे और अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ हैं रंजना देसाई। यानी कि इतना तो तय है कि उत्तराखंड जिसने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि वो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है कि किसी तरीके से जो है राज्यों के अंदर जो है जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर यूसीसी को लागू कराने की पहल की जाए और उसके बाद जो है उसी को आधार बनाते हुए संसद के मानसून सत्र के अंदर भी जो है वो यूसीसी को लेकर बिल लाया जाए। उसी प्रक्रिया में जो है धामी मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी कमेटी की चेयरमैन रंजना देसाई। डू एक्सप्लेन टू मी, यहाँ पर जो मीटिंग है ये यूसीसी के बारे में कितना डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या ये एक ड्राफ्ट प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ बहुत ज्यादा यूसीसी को लेकर डिस्कस नहीं होगा क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी के 2 साल एज ए मुख्यमंत्री भी जो है वो पूरे हुए हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे और अपना फीडबैक और अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि बीती रात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसमें रंजना देसाई भी थी और आज भी रंजना देसाई है, तो इतना जरूर है कि यूसीसी को लेकर एक ब्रीफ जरूर किया जाएगा क्योंकि जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो चुके हैं। जी कौन कौन है मीटिंग में और थोड़ा मीटिंग के बारे में बताइए, ये होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ भी एक मीटिंग हुआ था इससे पहले और उसमें क्या हुआ? देखिए उसमें भी उन्होंने डिटेल डिस्कशन बताया कि किस तरीके से जो है वो लोगों के ओपिनियन लिए गए हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकें हुई हैं, उनकी क्या राय है यूसीसी को लेकर वो डिटेलिंग पूरी बातचीत हुई और क्या ड्राफ्ट वो तैयार करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिस्कस हुई थी और उसी को लेकर एक अगर कहें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने जरूर धामी गए हैं, वो अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर गए हैं लेकिन वहां पर यूसीसी की जो कमेटी की चेयरमैन है उत्तराखंड की रंजना देसाई भी है, तो एक छोटा और डिटेल ब्रीफ जो है वो पीएम को दिया जा सकता है लेकिन पूरा डिटेल डिस्कशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं किया जा सकता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से ही जुड़ा ये मैटर है, गृह मंत्रालय ही इसको देखता है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे जानकारी लग रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ तो पूरी डिटेलिंग बातचीत हुई है लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ ब्रीफ किया जाएगा कि उत्तराखंड किस तरीके से जो है यूसीसी पे आगे बढ़ रहा है। जी अभी तक कौन कौन से स्टेट में यूसीसी के बारे में चर्चा हुई है, एक ऑफिशियल चर्चा जहां पर पूरी कम्युनिटीज को साथ में लेके एक डिस्कशन हुआ है? लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के अंदर भी कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी को लागू करेंगे, असम सरकार ने कहा है, गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि हम यूसीसी को लेकर जो है एक कमेटी बनाएंगे सरकार आने पर, तो वो तमाम बीजेपी रूल स्टेट के अंदर तो ये सारी चीजें चल रही हैं लेकिन यूसीसी को लेकर फाइनल डिसीजन जो है अगर केंद्र सरकार बिल लेकर आएगी तो उसको लेकर जो चर्चा है वो गृह मंत्री अमित शाह ही देखेंगे, उसके सारे लीगल पॉइंट और उसी को लेकर कल उत्तराखंड की जो यूसीसी की कमेटी की चेयरमैन है रंजना देसाई वो मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलने गई थी और उसके बाद ही जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। जी अभी के लिए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, ये तो एक हाई लेवल मीट हुआ 2024 के लिए, ये एक पोल प्लैंक भी है, बीजेपी ने प्रॉमिस किया था 2014 में 2019 में कि यूसीसी वो लाकर रहेंगे, ये क्या आपके हिसाब से एक फास्ट ट्रैक हो रहा है अब एक साल इलेक्शन से पहले? देखिए बीजेपी भी चाहती है जो उनके कोर इश्यूज हैं उन कोर इश्यूज को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज में था, उसको लेकर राम मंदिर बनना शुरू हो गया कोर्ट के जजमेंट के बाद। 370 धारा के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा थी, धारा 370 को हटा दिया गया है और जो सबसे और एक और जो कोर इश्यू है वो यूसीसी है, तो यूसीसी को लेकर भी सरकार अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन करते टाइम भी ये बात कही थी कि यूसीसी को लेकर कुछ लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है और डरना नहीं चाहिए, तो ये एक तरीके से साफ संदेश था कि यूसीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले लेकर आएगी और मानसून सत्र के अंदर इस बिल को जो है संसद में पेश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जी हमारे साथ जुड़े रहिए, आई एम गोना क्विकली कट अक्रॉस टू पुष्कर सिंह धामीज रिएक्शन कमिंग इन ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं, 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है, उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है, वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, एक परिवार में हम संतुलन और हम कंपैशन को कैसे ला सकते हैं, इंसानियत को कैसे ला सकते हैं परिवार में, और मुद्दे क्या हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, कस्टडी, डाइवोर्स, उस पे यदि हम कंसेंसस नहीं ला सकते हैं तो ये जो हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री,